चेतले ओ मोर भाई अबे रे भागवत हो रही। भागवत में जो भी कथा भक्त अपने व्यास जी हैं वे भी केवल जय बात बता रहे हैं और हम बता रहे हैं कि चेतले ओ मोर भाई अबे रे मन चेतले ओ मोर कबीर दास जी ने 550-600 साल पहले एक लाइन लिख दी थी, ऐसे लगा जैसे आज की लाइन लिखी हो। कथा हो रही यही समझ रहे चेत लो मोरे भाई, ऐसी जितनी चाहे कथा सुनत रहे हो उन संसार सुधर बाबू ने तो कहा इतनी कथा सुन तो कुआ सुधर बताइए हो केव कथा हजम कर गए आदमी संसार का, राम कथा हजम कर गए, भागवत हजम कर गए, लेकिन जयंगी तो ही है कुछ नहीं बिगड़े, कथा ही बिगड़ गई हो लेकिन आदमी कुछ नहीं बिगड़े, कथा चाहे बिगड़ गई हो सबरी कथा हजम कर गए, बड़े बड़े शंकराचार्य जिनकी कथा व्यास की सब, लेकिन ऐसे कभी दाजी अबे रे मन चेत ले ओ मोर काय चेत ले कि जहां बचत है कथा भागवत वहां नींद भर आई, जहां बचत है कथा भागवत वहां नींद भर आई, और जहां नचत है सुगर बिड़निया, जहां नचत है सुगर बिड़निया वहां नींद नहीं आई अबे रे मन चेत ले जैसी तक कथा हो रही ऐसी एक बार एक गांव में एक राजा साहब ने कथा करवाई, बढ़िया कथा भाई अच्छी कथा भाई, तो गांव में कछु चक्का आदमी नहीं हो तो बोले राजा साहब एक काम करो भागवत के समापन में राई करवा दो मजा आ गया। राजा तो दिख गए कुमा में आ गए, हम करवा रहे तो से कथा था भागवत तो जगत राई करवा दो, जनता की फरमाश भैया राजा साहब ने राई करवा दी, और जो राई नची भी आई थी सुबह अपनी पैसा लेकर चली गई, और जो महाराज कथा कर रहे थे भी अपनी विदाई ले हाथ में उठा रहे। राजा बोले बोले महाराज कुछ बात है का, और महाराज बोले हम उठा रहे बात से सुनिए, घंटा में राजा लौट के महाराज जी की उठा रहे। राजा बोले महाराज कुछ बात है कुछ कथे नहीं है जाते नहीं है कुछ बात कहो, तो महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही राजा साहब, राजा साहब तुम्हारी गलती नहीं है, हम तो कलयुग की कह रहे कि फूटी आंख विवेक की कहा कहे है ईश, क्या लाइन लगी कलयुग की, फूटी आंख विवेक की कहा कहे है ईश, और राम कली को 300 रामदास को 30, और दो घंटा में पूले मटका के 300 ले गए, हम साधना से लगे प्रवचन कर दे केवल 300 जो हो चुके लिए हुए राम कली को 300 रामदास को 30 ऐसे लिखे गए चेत लोगों भाई। फिर अगली लाइन आई कि बहन भाने जन मानत नहीं आ सारी न्योत बुलाई, बहन भाने जन मानत नहीं आ सारी न्योत बुलाई, ओ मात पिता खो नातन मारे, मात पिता खो नातन मारे, सास की कर में बढ़ाई अबे चेत ले आखिरी लाइन है लिखे कबीरदास जी कलयुग की लाइन के हाथ मर्द तिरिया के जोर, के हाथ मर्द तिरिया के जोर तो नहीं डटत लुगाई, कछु आदमी तो नाम आए हिरन रखते पे को हमारी क्या है, लेकिन सच्चाई जा है कि चाहे हमने बताई जा डीएम साहब हों विधायक हों मंत्री हों सांसद हों थानेदार हों घर भाई के सामने सबकी औकात एक सी हो, सबकी हो जीवन की समझ में क्या जल्दी आई, बाकी में भुक्त भोगी हो मान गया
हम कह रहे भैया संसार में कोई होए घर भाई के सामने सबकी हवा खराब हो जाए, इसे लिखे कविता जी ने चेत लो घर भाई माए के मुंह में आदमी लुआबिया को ताओ देखो फिर की कैसे हवा खराब हो जाते हो लुआबिया आदमी घर भाई माए ए 15 मिनट में तैयार समझ गए। ससुराल के आदमी लेन में लग जाते हैं पांव नहीं जा रहे काहे नाराज है। घर भाई ने भीतर आवाज सुन ली कैसे लगा जैसे आ गए तो बक्केवार के लगाया गई जो ना अब आदमी को ताओ देखो कैसे हवा खराब हो। सुनो 15 मिनट में तैयार करियो लुआ के जाने। इतने में घर भाई के बारे के लगा गई घर भाई बोली क्या काय हम चला रखा हो उसे बोले हम तुमसे कह तुम जब चाहे हम तो कतई ना देखो। इतनी सी औकात हो सही में आदमी की ऐसा को नहीं है संसार में जो घर भाई बन रहा उसे हमें छोड़ देंगे हम साली में चाटा दे हम काय को पता है ऐसी बात है खाट के साथ तुम्हें पैदा थे हम केवल जो बता रहे आदमी की इतनी सी दम हो और सांसी बात लिखी हाथ मरद त्रिया के जोरे तो उन्हीं डटे तलवाई एक आदमी घर भाई को पकड़ डरवा रखो ठलवाई ना मैं ऐसा काय कपड़ा नहीं धोवे आध घंटा में कपड़ा धो जाए बरना बरना के कुछ बहुत बदमाश है निकट तो कसी खाना नहीं बने एक घंटा में खाना बन के तैयार हो जाए बरना और बरना के चुप घर भाई टेंशन टेंशन में सूख गई। पड़ोसन एक बार बोली बोली कैसी बीमारी तकलीफ है का बोली नहीं बोल बोली कमजोर का है तो बोली कि हमारे भी तो कछु दिन सकत के ऐसा काम कर दिए बरना ऐसा काम कर दिए बरना ही की आगे निकट कछु एक बार पता तो पड़ जाएगा बरना के आगे तुलाई तलवार फरसा बंदूक का है पता तो पड़ जाए एक बार। पड़ोसन बोली बोली तुम आज कह दियो बरना का कर लियो अरे बोले हम मारेंगे एक हम कह दियो पड़ोसन ने हिम्मत बनवा दी अब वो तो लप को हतो भैया हम आए हल्ला करवे पैसा लाए हमने हल्ला करवे तो जैसे ही बढ़िया अच्छी सकरात की बुड़की अच्छी कस के ठंड पड़ी डॉक्टर साहब वो तो लप को हतो ताव में आओ बोले काय कहां गई बोले मालिक हाजिर है बोले भोंसाए 4 बजे की गाड़ी से जाने बाहर पानी गर्म कर दिए बरना बोले बरना का कर ले आदमी कोमा में उन्हें सोच के दिल्ली भी ठीक है नहीं कोई ऊपरी फेरे पड़ गई है उन्हें भी सोची का डराओ नहीं अगर डरा गए तो फिर का समझ जाएगा। अरे बोले हम जा कह रहे भूसा 4 बजे की गाड़ी से जाने बाहर पानी गर्म कर दिए बरना बा बोली बरना का कर ले बोले बरना ठंडे से नहा ले कौन मर जाए। इतनी होगा जीरो के वाला वो तो डटिया ना आदमी दोस्तों को हम निंद्रा हम दोस्तों में जो जा फिजा बना रहा इसे लाइन आई हाथ मर्द त्रिया के जोरे तो नहीं डटत लुगाई। अबे वो एक त्योहार आओ तो वो अंकों से इंग्लिश त्योहार आओ पर वो आओ वो हम जब हल्के थे जब नहीं है तो वो त्योहार वो कड़वा चौथा कनवा चौथा डॉक्टर साहब घुमा लो करवा चौथा डॉक्टर साहब घुमा लो जो हमें जो त्योहार समझ में नहीं आओ परवेश रो कोई जो करवा करवा चौथ की हमें समझ नहीं है इसे चौथे को ना धरते घरवा चौथ कम से पता था घरवा के ना बताएगा करवा चौथ समझ में नहीं आई लेकिन वो करवा चौथ को तो हमें केवल संसार में भाई साहब साल में एक दिन ऐसे हो जितना पति पत्नी दो जने खुश हो केवल एक दिन बहुत करवा चौथ जितना पति भी खुश पत्नी भी खुश पत्नी से खुश हो कि नई साड़ी आऊंगे नए बिछिए आऊंगे नवा सामान सो भाई से खुश रह और आदमी ए में हालो फूलो फिरत के आज हमारे पांव पर ही जाने वो ए दिन भर सामान लेके ढोवे परमेश्वर पल्लेदार में आई किसी के लिए आवे कुछ भाई की तक कुछ याद परमेश्वर सी के करो आपका दुनिया का सामान कहां था केवल एक दिन ऐसा हो जी में सर केवल दो जने खुश हो पति पत्नी भंसा दे फिर जाएंगे के हाथ मर्द तिरिया के चोरे तो नहीं डटत लोगा ओ कहत कबीर कहां तक कहिए कहत कबीर कहां तक कहिए कलयुग सब पे आई अबे Thank you.
अवेरे मन चेत ले।